वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात हुई। अब्दुल अलीम खान ने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर सीनियर वजारत और वजारत खुराक से मुस्ताफ़ी होने के फ़ैसले से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को आगाह किया। अब्दुल अलीम खान ने सीनियर वजारत और वज़ीर खुराक के ओहदे से इस्तीफ़ा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सीनियर ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफ़सीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की है, जबकि मुलाकात में अब्दुल अलीम खान ने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर सीनियर वजारत और वजारत खुराक से मुस्ताफी होने का फैसला किया और वज़ीर पंजाब को आगाह किया। अलीम खान ने जो है इस्तीफा भी वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश किया, जबकि इनका कहना है कि बहैसियत सीनियर वजीर और वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने खिदमात को जो वज़ीर खुराक तहसीन पेश किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मैंने नजी चैनल को जो है खरीद लिया, इसकी बिना पर जो है मेरी ज़ाती मसरूफियात बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मैं अब मजीद जो है वजारत संभाल नहीं सकता। जबकि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आप पार्टी का असासा है, पार्टी के लिए आपकी खिदमात काबिले कदर है, सीनियर वजीर और वजीर खुराक की हैसियत से भी आपने नुमाया खिदमात अंजाम दिए, जबकि काबीना के सीनियर वजीर और वजीर खुराक के तौर पर आपने हमेशा अपना मुस्बत किरदार अदा किया। जबकि अब्दुल अलीम खान काफी अर्सा से जो है पंजाब असेंबली में भी नहीं आए थे, सेशन में भी, उसके साथ साथ इनका जो कहना है कि मैं जाती बिना मसरूफियत की वजह से असेंबली नहीं आता रहा। आज वज़ीर पंजाब से मुलाकात के बाद जो है इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इनका कहना है कि मजीद जो है वजारत नहीं संभाल सकता। जी बहुत शुक्रिया सलमान लुकमान, लाहौर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। अब आपको बताएं, दान काना में डॉक्टर